ये क्वेश्चन आपने किया होगा। बस इस क्वेश्चन में एक बहुत खास बात है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ये, तो इसकी इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। ये कंसेप्ट बहुत यूज में आता है, हमेशा ध्यान रखिए। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो है तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज निगेटिव, क्या करोगे? देखो अभी एक जीरो है, पर हम चाहें तो दो जीरो बना सकते हैं। कैसे? अगर इसमें मैं एक्स का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ू तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा तो कर दो। आप लिखिए आर थ्री माइनस एक्स आर वन प्लस आर टू। एडवांटेज बताता हूं, ये ऐसी ही रहेगी ए बी बी सी, ठीक है, सब ऐसे ही रहेगा। अब बताओ यहां पर केवल चेंज आएगा, अच्छा ये जीरो ये जीरो, यहां पर क्या चेंज आएगा? वही काम का हमारा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे वाह, अब दिस शुड, इसको देखना है। अब देखो इसमें क्या है, कोई मतलब नहीं, इसके लिए सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, ऐसा मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर है ना, यही आएगा। अब ये आपको, ये पहले तो ये सुन लो, ये रिजल्ट आपको पहले से पता क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस ए सी मिल जाएगा। अच्छा एक और बात, आप इसको जब करेंगे माइनस तो यहां माइनस आएगा पूरे में, तो बैलेंस हो गया। चलो अब ये रिजल्ट पॉजिटिव है, ये रिजल्ट नेगेटिव है, तो होल रिजल्ट क्या आ गया बेटा? नेगेटिव, तो आंसर होना चाहिए नेगेटिव।